दोस्तों, आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए क्या क्या गलतियां करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी गलती की वजह से इवन आपकी जॉब भी जा सकती है या आपकी कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हुए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो गाइस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो प्रोग्राम है जो कि ब्लॉकचेन में लिखा जाता है। और गाइस, जो मैंने पहले बात की कि आपकी जॉब भी जा सकती है और आपकी कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, उसकी वजह एक ये है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने एक दफा डिप्लॉय कर दिया तो आप उसमें दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हुए कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छा जाए, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने की जो लॉजिक है वो अच्छी नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि हमारी लॉजिक भी अच्छी हो जाए, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लॉजिक को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं। तो वह जो सबसे पहली चीज और बहुत जरूरी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए, वो ये है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है। क्योंकि जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 5 लाइनें हैं, जो भी आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की 5 लाइनें हैं, तो वो हर लाइन जो ब्लॉकचेन में चेंज लाएगी उसके लिए आपको गैस पे करनी पड़ेगी। गैस फॉर एग्जांपल आप समझ ले करेंसी है, कुछ पैसे हैं, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसमें 3 लाइनें ऐसी हैं जो कि ब्लॉकचेन में चेंज लाती हैं, तो आपको उस 3 लाइनों के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे होंगे तो जो आप अपना कोड है वो एफिशिएंट वे में लिखेंगे। तो जो आपका 5 लाइनों का कोड है, क्या पता आप उसको 2 लाइनों में लिख दें और उनमें से फिर एक ही लाइन ऐसी हो जो कि ब्लॉकचेन में चेंज ला रही है, जिसका आपको गैस पे करनी पड़ेगी। लिहाजा आप लोगों ने अपनी जो बेसिक्स है उसको बहुत अच्छा रखना है। सेकेंडली गाइज, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना है। सिक्योरिटी इन अ सेंस के फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक ऐसी ऐप बनाई है जिसमें जो पैसे हैं उसका ट्रांसफर होता है, मतलब पैसे जो हैं एक जगह से दूसरी जगह या एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर होते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो गलत ना हो रही हो, बिल्कुल सही बंदे के पास जा रही हो और बिल्कुल सही बंदे से आ रही हो, और दूसरा कोई उस ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री ना देख पाए। जो बंदा सेंड कर रहा है या जो बंदा ले रहा है, बस वो ही अपनी ट्रांजैक्शन देख सके। इसलिए गाइस, आपको एक सेफ और सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाते हैं, वो आप तब बना सकेंगे अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो अच्छी होगी। अब लॉजिक बिल्डिंग को कैसे अच्छा किया जाए, इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और उसका आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा। उसके अलावा गाइस, जो आपका कोड है वो बिल्कुल रीडेबल हो, मतलब जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नेम लिख रहे हैं वो बिल्कुल रीडेबल हो। फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें जो है वो ट्रांसफर मनी के नाम से आपने रख दिया, लेकिन आप ये मत रखिएगा कि ABC हेलो, इस टाइप का आपने कुछ भी नेम नहीं रखना। ऐसा नेम रखना है या ऐसा कोड जो है आपका कोड पैटर्न ऐसा रीडेबल हो, अगले को समझ लग जाए कि ये किस बारे में होगा, उसको आइडिया मिल जाए कोड पढ़े बगैर। इसके अलावा गाइस, आपके उप कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे होने चाहिए। और तीसरी बात गाइस, आपने अप टू डेट रहना है। अप टू डेट मतलब गाइस, अभी जो सॉलिडिटी का, फॉर एग्जांपल मैं एक लैंग्वेज की बात करता हूँ, एक लैंग्वेज सॉलिडिटी है जो कि ब्लॉकचेन में यूज की जाती है, तो उसका जो करंट वर्जन चल रहा है वो 8 point something चल रहा है। तो आपने अप टू डेट रहना है कि ये ना हो वो 9 point something हो जाए, 10 point something हो जाए और आप 8 point पर ही काम करी जाए। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना है। ये कुछ ऐसी ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको 3-4 minutes में दे देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं और आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू सो मच गाइस, यू विल हैव अ गुड डे।